हाय फ्रेंड्स, आई एम जय और आज हम सीखेंगे तीन पत्ती कैसे खेलते हैं। तीन पत्ती गेम सीखना बहुत ही इजी है। आप इस वीडियो को 3 मिनट तक ध्यान से देखिए और आफ्टर दैट यू विल बी नोइंग हाउ टू प्ले तीन पत्ती। उससे पहले कि हम समझे तीन पत्ती कैसे खेलते हैं, आइए समझते हैं तीन पत्ती हैंड्स के रैंकिंग, यानी कि आप कैसे जान पाएंगे कि आपकी बाजी कितनी तगड़ी है, आपका हैंड कितना स्ट्रांग है। आइए स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट हैंड से और धीरे धीरे समझेंगे लोएस्ट हैंड। नंबर वन, सबसे पहले आता है ट्रेल और सेट, या उसे ट्रायो कहते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तीनों ही पत्ते एक ही नंबर के हो, जैसे कि 3 1 के, 3 बादशाह या फिर 3 रानी, उसे ट्रायो कहा जाता है। सबसे हाईएस्ट होता है AAA और सबसे लोएस्ट होता है 222। नेक्स्ट, उसके बाद आता है प्योर सीक्वेंस, या तो फिर उसे स्ट्रेट फ्लश भी कहा जाता है, जिसमें आपके पास तीनों जो कार्ड है उसकी एक सीरीज बन रही है, उसकी एक सीक्वेंस बन रही है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक्का, बादशाह और रानी, और तीनों का कलर भी सेम, दे आर ऑल डायमंड। उसके बाद आता है सीक्वेंस, या फिर उसे कहते हैं स्ट्रीट, जिसमें भी तीनों कार्ड के बीच में सीरीज कंटिन्यूस सीक्वेंस तो बन रही है लेकिन उनका कलर अलग अलग है। जैसे कि एग्जांपल में है इक्का, बादशाह और रानी, और तीनों का कलर अलग है, एक है स्पेड, एक है हार्ट और एक है डायमंड। इससे भी नीचे आता है कलर, इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में रह गए कार्ड का नंबर चाहे कोई भी हो लेकिन तीनों का कलर सूट सेम होना चाहिए, जैसे कि तीनों डायमंड, तीनों स्पेड या फिर तीनों हार्ट। उससे नीचे आता है पैर, यानी कि आपके हाथ में जो 3 कार्ड है उसमें से किसी भी 2 कार्ड का नंबर सेम है। फॉर एग्जाम्पल इन द वीडियो 2 1 के और 3 बादशाह, इसे कहते हैं पैर। और सबसे आखिर में होता है हाई कार्ड, यानी कि आपके तीनों कार्ड में ऊपर में से कोई भी पैटर्न या सीक्वेंस नहीं बन रहा, इसीलिए आपके हाथ में सबसे हाईएस्ट जो कार्ड है उसी कार्ड पे आप गेम खेल रहे हो, उसे कहते हैं हाई कार्ड। आइए अब समझते हैं गेम की शुरुआत कैसे होती है या फिर गेम पूरा खेला कैसे जाता है। सबसे पहले डीलर जितने भी प्लेयर्स होते हैं टेबल पे, सबको एक एक करके 3 कार्ड बांटती है। आप चाहे तो ये कार्ड हाथ में लेके ओपन कर सकते हैं या तो फिर उसे टेबल पे बंद के बंद रख सकते हैं। अगर आप टेबल के ऊपर कार्ड बंद रखते हैं तो उसे कहते हैं कि आप ब्लाइंड खेल रहे हो, यानी कि आप अपने लक पे डिपेंड कर रहे हो। जितने भी प्लेयर ब्लाइंड खेलते हैं वो जितने अमाउंट की बैट करे सीन प्लेयर को, यानी कि जिस प्लेयर ने अपने कार्ड देख लिए हैं, उनको डबल अमाउंट की बैट हमेशा करनी पड़ती है। ब्लाइंड प्लेयर्स जो है वो गेम के बीच में जब भी चाहे अपने कार्ड उठाकर देख सकते हैं और सीन प्लेयर बन सकते हैं। और एक बात, जब भी आप किसी तीन पत्ती टेबल के ऊपर ऑनलाइन या फिर कैसीनो में खेलने के लिए जाओ, एक टेबल का टोकन अमाउंट होता है, यानी कि गेम शुरू होने से पहले ही आपको कुछ अमाउंट, जैसे कि हो सकता है 100 चिप्स, हो सकता है 500 चिप्स, वो आपको जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही गेम स्टार्ट होता है। ओके, अब समझते हैं कि ये गेम का रिजल्ट कैसे आता है। रिजल्ट आने की 2 पॉसिबिलिटी है। नंबर वन, कि एक प्लेयर को छोड़कर सारे ही प्लेयर अपने कार्ड फोल्ड कर दे या फिर पैक कर दे, यानी कि अपने कार्ड देके गेम से बाहर हो जाए, तो जो बचा हुआ एक प्लेयर है ही इज द विनर और सारा अमाउंट उसको मिलता है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, कि 2 प्लेयर को छोड़ के सारे ही प्लेयर फोल्ड या पैक कर दे और वो 2 प्लेयर में से कि कोई एक प्लेयर शो के लिए रिक्वेस्ट करे कि अपने कार्ड ओपन करना चाहता है, उस टाइम पर प्लेयर को अपने कार्ड ओपन करने पड़ेंगे, एक्सपोज करने पड़ेंगे सबके सामने, और फिर जिसकी भी हैंड भारी होगी, जिसके पत्ते अच्छे होंगे, वो विनर कहलाता है। आइए समझते हैं अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड साइड शो या तो फिर कॉम्प्रोमाइज। जब भी तीन पत्ती गेम में एक ये एडवांटेज रहता है कि इन द मिडल ऑफ द गेम आप किसी अदर प्लेयर से पर्सनली अपने कार्ड कंपेयर करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जॉन, माइकल एंड स्मिथ, 3 प्लेयर 3 पत्ती खेल रहे हैं। अभी अगर जॉन को लगता है कि उसे माइकल के साथ पर्सनली अपने कार्ड शो ऑफ करना है तो वो माइकल को साइड शो रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर माइक एक्सेप्ट करे और हाँ बोले तो माइक और जॉन वो दोनों प्राइवेटली अपने कार्ड एक दूसरे को दिखाएंगे और जिसके कार्ड कमज़ोर होंगे, जिसका हैंड का रैंकिंग कम होगा, वो प्लेयर फोल्ड हो जाएगा और दूसरा प्लेयर कंटिन्यू करेगा। ऐसे आप एक गेम में जितने भी प्लेयर के साथ जब भी साइड शो करना चाहे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर सामने वाला प्लेयर हाँ बोले तो ही साइड शो होता है। सो दैट्स इट,
आप तीन पत्ती किसी कैसीनो में खा जाके खेल सकते हैं, किसी ऑनलाइन पोर्टल पर खेल सकते हैं। बहुत ही इजी है, आप सीख तो 3 मिनट में जाएंगे, लेकिन इस गेम को मास्टर करने के लिए पूरी लाइफ भी कम पड़ती है। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल गेम माई फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, आप अगला गेम कौन सा खेलना चाहते हैं वो कमेंट करिए, फीडबैक कमेंट में डालिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, भूलिएगा मत। गुड बाय।